ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा 7 सितंबर को गोरखपुर बस्ती मंडल का संयुक्त अधिवेशन और सम्मेलन गोरखपुर स्थित एक निजी प्रतिष्ठान में किया जा रहा है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत सहित दर्जनों केंद्रीय व प्रांतीय जन भाग लेंगे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद व राष्ट्रीय महासचिव भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल रहेंगे। इस कार्यक्रम के माध्यम से केंद्र सरकार को अवगत कराया जाएगा कि सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन को यथाशीघ्र पूरा नहीं किया गया तो आने वाले चुनाव में ईपीएस 95 से आच्छादित 8 करोड़ कर्मचारी व उनके परिवार, जिनकी कुल संख्या 36 करोड़ है, वो सरकार को समर्थन न देने का विचार करने पर मजबूर होंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए चंद्रशेखर पांडे ने कहा, ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा देशव्यापी आंदोलन चलाए जाने के तहत गोरखपुर में गोरखपुर और बस्ती मंडल दोनों का के संयुक्त तत्वावधान में ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति का सम्मेलन गोकुल अतिथि भवन गोरखपुर में दिनांक 7/9/2023 को होने जा रहा है, जिसमें संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत और केंद्रीय नेतृत्व के लोग, प्रांतीय नेतृत्व के लोग और उत्तर प्रदेश के विभिन्न मंडलों के लोग, अन्य प्रदेशों के लोग तथा बस्ती गोरखपुर मंडल के समस्त ईपीएस 95 से संबंधित आच्छादित समस्त सदस्यगण उपस्थित होंगे। इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल सांसद और राज्यसभा और राष्ट्रीय महासचिव भाजपा होंगे। इसी संबंध में हम लोग प्रेस वार्ता करेंगे। और मांगो बता दीजिए, मांगे हमारी मुख्य है, मुख्य क्या है, चार मांगे हैं। नंबर एक कि हमारी पेंशन जो न्यूनतम इस समय 1,000 है, उसको 7,500 तथा महंगाई भत्ता उसके साथ दिया जाए। नंबर दो कि हमें हमारे परिवार को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाए। तथा तीसरा नंबर है कि हमारे जो साथी इस पेंशन योजना से वंचित रह गए हैं और ईपीएफ के मेंबर रहे हैं, उनको भी इस योजना में किसी तरह से लाकर और नियमों में संशोधन करके उन्हें भी 5,000 रुपये महीने पेंशन दिया जाए। चौथा है कि जो 4/11/22 को सुप्रीम कोर्ट ने हायर पेंशन के बारे में आदेश किया है, उसका सरलीकरण किया जाए और ईपीएफओ द्वारा मनमाने ढंग से सर्कुलर जारी करने पर रोक लगाया जाए। तथा जो हमारे सदस्यों को धनराशि हायर पेंशन प्राप्त करने के लिए जमा की जानी है, उसे नगद न जमा करा के और बुक ट्रांसफर किया जाए, क्योंकि उनको पेंशन का एरियर भी तमाम प्राप्त होगा। तो इस संबंध में हम लोग जो है प्रेस वार्ता करनी है। मेरा चंद्रशेखर पाठक, समन्वय राष्ट्रीय संघर्ष समिति, मंडल गोरखपुर।